दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। 32 सीटर बस में 70 सवारी, हुआ एक्सीडेंट, 3 की मौत, 42 घायल। बस और ट्रक में हुई सीधी भिड़ंत, दोनों वाहनों के ड्राइवरों की मौके पर हो गई मौत। ट्रक चालक अनीस खान और बस ड्राइवर इकबाल की मौत हो गई। बस बीना से सागर जा रही थी। खुरई के खिमलासा रोड पर धांगर गांव के मेंसी तिराहे पर यह घटना घटित हो गई। घटना सुबह 9:30 बजे हुई है। 42 घायलों में 3 की हालत गंभीर होना बताया जा रहा है। खुरई एसडीओपी सचिन परते ने मीडिया से कहा, मामले की जांच की जा रही है, किसकी गलती है जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। सागर आरटीओ विश्व शुक्ला का कहना है कि बस का फिटनेस और बीमा दोनों है। बस में ओवरलोड सवारी ना हो, ट्रक ओवरलोड ना चले, इसकी जांच करने का अधिकार पुलिस के पास है। आरटीओ भी कार्रवाई कर सकते हैं, यातायात पुलिस भी अपने कर्तव्य निभा सकती है। मगर यह दुर्घटना, हर एक्सीडेंट हर दुर्घटना के बाद जांच की बातें कहकर क्यों मामले को टाल दिया जाता है? बसों में ओवरलोड सवारी भरने का फैशन सर चलने लगा है। पुलिस और आरटीओ कार्रवाइयां तो करते हैं, फिर भी ओवरलोड सवारियां बसों में क्यों भरी जाती हैं? क्यों इन्हें नहीं रोका जा सकता है? जब इसके तह में जाकर देखा गया, इसकी तहकीकात की गई, तो पता चला अधिकांश बसों का संचालन नेता या उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। बस इसके आगे कुछ कहना व्यर्थ है, क्योंकि आप सभी समझदार हैं।